नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के एडमिट कार्ड के विषय में। जो भी कैंडिडेट एनआर रीजन यानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के रीजन से अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में बताया गया पूरी नॉलेज आपको मिल पाए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फ़ोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है alljobforyou.com। दोस्तों इस प्रकार से सर्च बॉक्स में जैसे ही लिख लेंगे ऑल जॉब फॉर यू के ऑफिशियली पेज इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगी और आपको इस प्रकार से इंटरफेस होने लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको तीन सेक्शन देखने को मिल जाएगी, व्हाट्स न्यू, एडमिट कार्ड और ऑनलाइन फॉर्म्स। इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले एडमिट कार्ड में जाना है। एडमिट कार्ड में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है SSC फेज 10 एडमिट कार्ड डाउनलोड 2022। दोस्तों इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑल जॉब फॉर यू की ओर से SSC फेज 10 के शॉर्ट नोटिफिकेशन पेज इस प्रकार से आपको इंटरफेस होने लग जाएगा। दोस्तों चाहे तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आना है। जैसे आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक शॉर्ट लिंक वाले या फिर इंपॉर्टेंट लिंक वाले एक पेज मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे के सारे रीजन का URL मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट लिंक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। चाहे तो आप सेंट्रल रीजन यानी CR रीजन, WR रीजन, NER रीजन या फिर NER रीजन का देखिएगा, आपके पास तीनों लेवल का अलग अलग आपको लिंक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको CSR रीजन, KKR रीजन, NR रीजन, NWR रीजन, MP रीजन और ER रीजन, दोस्तों सारे का सारा रीजन का यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देता है। आप किसी भी रीजन से हैं तो यहाँ पर आप अपने लिंक पे क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे कि बात किया हूँ NR रीजन के बारे में, दोस्तों यहाँ पर NR रीजन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। NR रीजन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वाले पेपर आपको खुल जाएगी जो कि डायरेक्ट पेज है। और यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, आई एग्री के सामने जो एक एस्कोर का बटन दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। दोस्तों आपको नीचे की ओर आना ही यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपने नाम से भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने नाम डालना है, फुल नाम, यहाँ पर फादर्स नेम और यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट यानी यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट सब्जेक्ट में आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। अब जिस भी लेवल का फॉर्म अप्लाई किया है उस लेवल को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं और आपके सारा का सारा डिटेल्स आपको शो होने लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में जब जाएंगे तो फॉर्म स्टेटस में आपको लगेगा यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल। अगर दोस्तों आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं बताएगा, यहाँ पर कुछ और दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर आना है। जैसे आप नीचे की ओर आएंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाती है जहाँ की लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट डुप्लीकेट एडमिट कार्ड। दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगी और नीचे में एक COVID-19 के फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है और अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करके ले जाना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि आप किस प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।